बहुत मुश्किल है अरमान के लिए। रोहित के वापस आने के बाद जिस तरह से रोहित रिएक्ट कर रहा है अरमान और रूही की जो होने वाली शादी थी उसके ऊपर, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अरमान। वो काफ़ी टूट चुका है इस वक्त। जैसी जैसी बातें उसको बोलने के लिए, उसके जो सुनने के लिए जो बोली गई है, जिससे अरमान का दुख इस वक्त बताना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से आई वहाँ से भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने तुझसे मीरा और रवि का सच क्यों छुपाया। मैं तुझे सच कैसे बताता रोहित, मैं तेरा दिल कैसे तोड़ता जो ऑलरेडी रोहित को चाहने लगा था। बात करके आगे सुन भाई, मेरी बात सुन, बीच में ऐसा नहीं है। हाँ ये उसको धक्का मारने का स्कोप नहीं मिलेगा। यकीन कर, मैंने सब सब तुम लोगों को दिया आपके लिए, क्योंकि आप सबकी नजरों में महान बनना चाहते थे। आपने जो किया अपने लिए किया। वो बात नहीं, ये सिंपल सी बात आपको पता है, रूही खुश नहीं थी, नतीजा और दोनों दुखी। तुम दोनों की सगाई हो चुकी, तुम खुश थे, सारे घर वाले खुश थे, सब लोगों की खुशी। भाई रोहित कैमरा देखिएगा, सब लोग रोहित एक्शन देखो। में क्या बन रहा है? ये बदलने के बाद बनेगा। रोहित 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 खुश थे, सारे घर वाले खुश थे, मैं सबकी खुशियां कैसे छीनता रोहित। यकीन मान, मैं जो आपने जो किया वो आपने नहीं किया, ताकि आप सबकी नजरों में महान बन सके। बात सुन रोहित, आपको सचमुच लगता है जबरदस्ती की शादी में मैं खुश रहता? एक रिश्ते में खुशी तब होती है जब दोनों पार्टनर्स खुश हों। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिंपल सी बात आपको पता नहीं थी? रूही खुश नहीं थी, नतीजा हम दोनों दुखी थे। जानता हूं तू सही कह रहा है, मेरी गलती है, I'm really sorry। रोहित रोहित सॉरी, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है, क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने घर परिवार से दूर चला गया, आपकी वजह से। कि आपकी वजह से अपने घर परिवार। मैंने तुझसे मेरे रोहित का सच क्यों छुपाया? सच कैसे बताता, कैसे बताता, दिल कैसे तोड़ता रोहित जो छोटी रोहित को चाहने लगा था। सगाई हो चुकी थी, सारे लोग खुश थे, तुम खुश थे, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां कैसे छीन सकता हूं? झूठ सब झूठ, आपने जो किया वो सब आपने ले किया, ताकि आप सबकी नजरों में हमेशा महान बनते रहे। तुमने क्या बोल रहा, मेरी बात सुन। आपको क्या लगता जबरदस्ती की शादी में मैं खुश रहूंगा? एक रिश्ते में तब खुशी आती है जब दोनों पार्टनर्स खुश हो। मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपनों को छोड़ गया जो हमारा अपना है भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक आपकी वजह से मैं अपने घर परिवार से दूर चला गया, आपकी वजह से मैं अपने को छोड़ गया जो हमारा अपना ही नहीं। आपकी वजह से मैं घर परिवार से दूर चला गया। अरे मैं एक ऐसे इंसान के लिए अपनों को छोड़ गया जो हमारा अपना है ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक कि मैंने आपके साथ सब कुछ आपसे नहीं पूछा हुई है, अपनों को छोड़ गया जो हमारा अपना है भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया,
मम्मी पापा का प्यार, घर वालों का आशीर्वाद, खुशियां, आंसू, सब कुछ, सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप इनमें से किसी के भी हकदार नहीं है। मैं ये घर छोड़कर चला गया था ये सोच के कि अपने दम पे एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन आपने, आपके धोखे ने मुझे इतना, लेकिन आपके धोखे ने दादी साहब हमेशा से सही थी, सही है ना, सही थी, ओके, दादी साहब हमेशा से सही थी, आप सौतेले हो, सौतेले हो, आप सौतेले हो भाई, लेकिन आपके धोखे की मार ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। दादी साहब बिल्कुल सही कहती है, आप सौतेले हो, आपकी वजह से मेरी बीवी मुझसे आज तक प्यार नहीं कर पाई, आपकी वजह से मुझसे झूठ बोलती है। अरे कहते हैं कि बड़ा भाई भगवान समान होता है, मेरा बड़ा भाई तो शैतान निकला, आपसे ज्यादा ढोंगी झूठा मतलब ही आदमी मैंने आज तक नहीं। मेरी बीवी आपकी वजह से मुझसे आज तक प्यार नहीं कर पाई, आपकी वजह से मुझसे झूठ बोलती रही। अरे कहते हैं कि बड़ा, अरे कहते हैं कि बड़ा भाई भगवान समान होता है, मेरा बड़ा भाई तो शैतान निकला, आपसे ज्यादा ढोंगी बदतमीज। ओके अरे 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 ओके रिवेल हाथ में लगाया तो अपनी गलती के लिए करोगे तो हमारा कैसे खोके मार। बाकी का कोई फायदा नहीं दादी साहब, पापा के लिए बेटे का मतलब सिर्फ ये, इनके लिए मैं जरूरी हूँ ही नहीं, इसलिए तो मैं तो इनके लिए जरूरी हूँ ही नहीं, इसलिए तो मैं अब तक घर नहीं आया और अब दोबारा भी नहीं आऊंगा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बेटे, ये तुम्हारा घर है। नहीं दादी साहब, अंदर चलो। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.